सावन के पावन महीने में भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है गंगा तट पर बने 8000 पुराने एक मंदिर में। वह मंदिर जहां दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष मिट जाता है। वह मंदिर जहां पर मत्था टेकने से नौ ग्रह की शांति हो जाती है। वह मंदिर जिसका इतिहास समुद्र मंथन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। वह मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ करवाया था। तो सावन के महीने में भारत एक्सप्रेस जानेगा कि आखिर नागवासुकी देवता मंदिर की क्या है खासियत और आखिर क्यों यहां पर भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। नागवासुकी मंदिर के भीतर अब हम प्रवेश कर चुके हैं और ये नागवासुकी देवता का गर्भगृह है और साक्षात आप नागवासुकी देवता का दर्शन कर सकते हैं। चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, हर युग में इस मंदिर की और नागवासुकी देवता का महिमा मंडन हम साफ तौर पर वेद पुराण में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ जो पंडित जी मौजूद हैं उनकी ही जुबानी समझते हैं कि तीर्थराज प्रयागराज में ये मंदिर कब से बना है, कितने साल पुराना है और इसकी क्या महिमा है। देखिए, नागवासुकी मंदिर 8000 वर्ष पुराना है लगभग। ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो पद्म पुराण में लिखा है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र द्वारा स्थापित मूर्ति है और सावन की नागपंचमी में दर्शन मास से काल सर्प की शांति होती है। औरंगजेब ने भारत के अंदर जो अच्छे शक्ति पीठ थे उनको खंडित करना चाहता था, शक्ति देखना चाहता था। तो औरंगजेब एक बार यहाँ भी आया था, उसने तीन भाला मारा बासुकी जी के हृदय में, ये निशान बना है भाला मारने का। एक मारा, दो मारा, तीसरा मारा तो दूध की विषैली धार पांचों धार से मुख से निकली, बेहोश होके गिर गया। सिपाही उठा के लेके गए, दशाश्वमेध घाट पहुँचे, वहाँ होश आया तो शंकर जी को तीन तलवार मारा, एक मारा, दो, तीसरी मारा तो बिजली का करंट लगा, फिर बेहोश होके गिर गया। फिर सिपाही लेके किले में भागे जमुना किनारे, तो वहाँ से नीचे सुरंग बनी है दिल्ली तक के लिए, तो वो सीधे वहाँ से दिल्ली भाग गया। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ नौ नाग मौजूद हैं, बासुकी जी हैं, उधर छह नाग विराजमान है, जोड़ा जोड़ा एक ये विराजमान है, पूंछ में इनके राहु केतु हैं। यहाँ नौ ग्रह की शांति होती है, पूजा तो 16-17 ग्रह की होती है पर विशेष करके काल सर्प और नौ ग्रह की शांति ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए नागवासुकी देवता की पूंछ में राहु केतु स्वयं विराजमान है और यहाँ पर राहु केतु हो, नवग्रह हो या काल सर्प दोष हो अगर आपकी कुंडली में, तो साफ तौर पर दर्शन करने मात्र से, पूजा आराधना करने मात्र से उसकी शांति होती है और सभी जो कुंडली में आपके दोष हैं उसका उपाय सिर्फ यहाँ पर दर्शन करने मात्र से हो जाता है। यही वजह है कि सावन में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान नागवासुकी की पूजा अर्चना खास तौर पर नागपंचमी के दिन विशेष रूप से करते हैं। देखिए, ये पौराणिक मंदिर है यहाँ, और जैसा कि कहते हैं पुराणों में जिक्र है कि भगवान शंकर के जो गले में नाग देवता विराजमान है वो स्वयं नागवासुकी मंदिर है। और पूरे कहते भारतवर्ष में दो ही जगह ये आपका काल सर्प योग दूर होता है, एक त्र्यंबकेश्वर, एक नागवासुकी में। तो इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही जो भी आपके दुख कष्ट वो उनका सबका निवारण होता है। यह नागवासुकी का मंदिर अति प्राचीन है। सतयुग में जब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय से लेकर के आज तक यह मंदिर विद्यमान है और समय समय पर अनेक राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया है। और इस नागवासुकी मंदिर में जो भी भक्त जिस किसी भी कामना के निमित्त से इनका दर्शन करता है, पूजन करता है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि कहा गया है कि कालियो नाम नागाशो विश्वरूप भयंकर नारायण संपुष्टो दोषो क्षेम करो भव। इस मंत्र का तात्पर्य है कि जो भी भक्त जिस भी कामना के निमित्त से भगवान श्री नागवासुकी का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। तथापि कुंडली में जो कालसर्प योग होता है उस कुंडली का कालसर्प योग
दोष का निवारण एकमात्र स्थान जो है वह यही है। और इस स्थान पर जो भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आकर के भगवान श्री नाग वासुकी का पूजन करता है अथवा दर्शन करता है, निश्चय ही उसकी अवश्य हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नाग वासुकी जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इनको रस्सी बनाया गया था सुमेरी पार्व को मथानी। जब मंथन होने लग गया देवता राक्षस इनको रस्सी की तरह खींचने लग गए तो मदरा चल पहाड़ जो है वो नीचे जाने लग गया। तो विष्णु भगवान को कछुए का रूप भी माना जाता है, तो कछुए का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गए, पहाड़ ऊपर आ गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, उसमें सम्राट कलश निकला। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस सम्राट कलश में अपनी शक्ति से दो भाग कर दिए, एक तरफ अमृत एक तरफ मदिरा। देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मदिरा। राहु जान गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं, वो सर्प का भेष बना करके देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। विष्णु भगवान ने भूलवश उसको भी अमृत पान करा दिया। जब अमृत पान कराया तो स्मरण किया रही तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी जब तक वो अमृत पान कर चुका था, अमर हो चुका था, तो दो भाग हो गए, तो एक राक्षस के दो राक्षस हो गए। ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु, जो आज सभी को ग्रहों में बैठ के परेशान करते हैं। उसके बाद इनके शरीर में अग्नि ज्वाला हो गई, क्यों रस्सी तरह बटे गए थे। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कुछ दिन मैं और लोगों की सेवा कर सकूं, कोई मुझे स्थान दीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा प्रयागराज दारागंज में गंगा जी में जाके विश्राम करिए आप, और सरस्वती माता का पान करिए तो आपको शांति मिलेगी। तो वासुकी जी आज सरस्वती माता के जब पान किए तो पाताल लोक चली गई, या के गंगा जी में यहीं वासुकी मंदिर के सामने पड़े रहे। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था, एक दशाश्वमेध घाट बनारस में, एक यहाँ प्रयागराज में, वहाँ शंकर जी की स्थापना किए थे ब्रह्मा जी। तो उस यज्ञ में सब देवता गए थे, वासुकी जी भी गए। यज्ञ के पश्चात जब सब देवता अपने अपने स्थान को वापस जाने लग गए तो वासुकी जी भी आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि अब इनको ना जाने दीजिए, अब इनकी महिमा कोई जानता नहीं, इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, अब ना स्थापित करिए, मुझे पड़ा रहने दीजिए। तो ये तब से यहाँ पर है। हाँ, तो कहे नाराज ना होइए, अगर आपको कुछ मांगना है तो वचन मांगी। तो इन्होंने यहाँ पर काल सर्प दोष और नवग्रह दोष की भी निवारण होता है, सब बतला रहा हूँ। तो इन्होंने तीन वचन मांगे। पहला वचन कि प्रयागराज में जो स्नान करने आएगा संगम में या कुंभ में या अधिक मास या माघ में, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए क्षमा है। दर्शन मास से मैं चार आने का निवारण करूँगा। दूसरा वचन मांगा कि काल सर्प की पूजा प्रथम मेरे स्थान में होगी, काल सर्प राहु केतु की, द्वितीय उज्जैन में होगी, तृतीय नासिक में, क्यों मैं यहाँ साक्षात विराजमान हूँ। तीसरा वचन मांगा यहाँ द्वादश बारह माधव हैं, उनकी परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए, और आशी माधव बेड़ी माधव दोनों मंदिर शांत कोण में यहीं विराजमान थे, अब सरकार आशी माधव को मंदिर बनवा रही है अभी। तो इन्होंने कहा कि जो बेड़ी माधव का मंदिर आगे बना है उनके महंत अकेले परिक्रमा करने आए, तो वहाँ की जो महंत है एक मैडम है वो साल में एक बार यहाँ दर्शन करने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।